हेलो ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम टू लखनऊ लोकल्स। आज हम बात करने वाले हैं स्टेनलेस स्टील कुकर के बारे में। अगर आप अपने घर के लिए एक स्टील का बेहतर क्वालिटी का कुकर लेना चाहते हैं तो यहाँ पे प्रेस्टीज बहुत सारी वैरायटी आपके लिए लेकर आता है। और आउटर लिड की बात करते हैं तो प्रेस्टीज में दो वैरायटी के कुकर्स आपको बहुत जनरल मिल जाते हैं। एक आता है प्रेस्टीज का डीलक्स अल्फा मॉडल और एक आता है प्रेस्टीज का पॉपुलर। ये दोनों ही कुकर स्टेनलेस स्टील में भी अवेलेबल होते हैं। तो यहाँ पे जो आपके सामने मैं दिखाने वाला हूँ वो है प्रेस्टीज का पॉपुलर 2 लीटर कुकर स्टेनलेस स्टील में और प्रेस्टीज का डीलक्स अल्फा हांडी मॉडल 2 लीटर कुकर में। अब अगर हम सबसे पहले बात कर लेते हैं प्रेस्टीज के डीलक्स अल्फा कुकर के बारे में, तो पहली चीज तो इसमें ये अच्छी चीज दी हुई है, जो लिड दी हुई है वो स्वच्छ की लिड दी हुई है। तो ये इनकी स्वच्छ वाली लिड आती है, काफी ज्यादा हेल्प करती है कि किचन आपका साफ सुथरा रहे। और साथ ही साथ नीचे की तरफ इसकी कोई भी अगर जैसे वाटर अमाउंट है निकल रहा है खाना बनाते टाइम पे, वो इसके कगर के अंदर रहेगा, जिसकी वजह से आपका गैस स्टोव जो है वो गंदा नहीं होता और इंडक्शन खराब होने से बच जाते हैं। अगर हम बात कर लेते हैं प्रेस्टीज के डीलक्स अल्फा मॉडल्स के बारे में, तो यहाँ पे आपको दो तरीके के डीलक्स अल्फा में मॉडल्स मिलते हैं। पहला है प्रेस्टीज का डीलक्स अल्फा हांडी मॉडल, जो ये आपके सामने है, और दूसरा आता है प्रेस्टीज का डीलक्स अल्फा इस टाइप से प्रेशर पैन शेप के टाइप में आपको मिल जाते हैं। ये दोनों ही जो मॉडल्स हैं काफी ज्यादा फेमस हैं और बहुत अच्छे डिस्काउंट्स में हर समय चलते हैं। तो ये जो दोनों ही कुकर हैं, इन दोनों का ही मैंने लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जहां से आप इसको डायरेक्टली जाके परचेज कर सकते हैं। बेहतरीन से बेहतरीन डिस्काउंट इस समय चल रहे हैं, तो जरूर जाके चेकआउट कर लीजिएगा। और अगर आप लेना चाहते हैं प्रेस्टीज का पॉपुलर कुकर, तो ये 2 लीटर 3 लीटर और 5 लीटर के कुकर में साइजेस में अवेलेबल है। और यहाँ पे जो पॉपुलर कुकर आता है ये थोड़ा सा नीचे से स्मॉल साइज का होता है। जैसे कि अगर मैं आपको एक डिफरेंस इसमें बता दूं कि यहाँ पे जो प्रेस्टीज का डीलक्स अल्फा कुकर है वो नीचे से हांडी शेप में है, नहीं तो वाइट शेप में है। तो अगर आप वाइट शेप के कुकर लेना चाहते हैं तो डीलक्स अल्फा वाले ही मॉडल परचेज करिए, क्योंकि उसमें आपको एक अच्छी स्पेस मिल जाती है कोई भी पुलाव या सब्जी चलाने में। मगर उसी जगह अगर आप चाहते हैं कि अगर आप स्मॉल फैमिली में हैं या सिंगल रह रहे हैं और आपको स्मॉल साइज का कुकर चाहिए, समय समय पे आपको कम ही फूड प्रिपेयर करना पड़ता है, तो ये पॉपुलर आपको बड़ा हेल्प करेगा, क्योंकि नीचे से इसका बेस छोटा दिया हुआ है, जिसकी वजह से लेस कुकिंग इसमें ज्यादा बेहतर तरीके से हो सकती है। तो एक डिफरेंस उसमें यही है कि अगर लेस कुकिंग के लिए कुकर लेना चाहते हैं तो प्रेस्टीज का पॉपुलर स्टेनलेस स्टील कुकर आप ले सकते हैं, और नहीं तो अगर आपको वाइड कुकर की अगर रिक्वायरमेंट है तो इस टाइप से हांडी ले सकते हैं, नहीं तो इसमें इस टाइप का प्रेशर पैन शेप भी आता है। तो यहां पे ये दोनों मॉडल्स काफी ज्यादा फेमस हैं और दोनों ही मॉडल्स स्वच्छ की लिड में अवेलेबल हैं। हालांकि उसी जगह हम प्रेस्टीज पॉपुलर की बात करते हैं तो अभी फिलहाल के लिए इसका स्वच्छ कुकर अवेलेबल नहीं होता है, इसका बेसिक कुकर अवेलेबल होता है, जो कि काफी अच्छे किफायती प्राइसिंग में है। अगर मैं प्राइसिंग की बात करता हूं तो 1700-1800 में ये वाला आपको मिल जाता है, जिसकी अगर मैं आपको बता दूं कि इसमें जो डिस्काउंट्स हैं बहुत ही बेहतरीन चल रहे हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन पे आपको डायरेक्टली लिंक मिल जाएगा जहां से आप इसको ऑल ओवर इंडिया के लिए परचेज कर सकते हैं। और अगर मैं इसकी बात करता हूं तो ये हमेशा आपको मोर देन 15% डिस्काउंट में मिलता है। अगर इसकी कॉस्टिंग की बात करते हैं तो 1800 के आसपास की इसकी कॉस्टिंग पड़ती है, मगर ये है कि जो अपडेटेड डिस्काउंट है उसके बारे में जानने के लिए आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में जाना पड़ेगा। दूसरे डिफरेंस की बात कर लेते हैं कि अगर हम प्रेस्टीज डीलक्स अल्फा की बात करते हैं इन कुकर्स की, तो ये कंपनी इसमें आपको देती है 10 ईयर्स की वारंटी, और वहीं पर अगर हम प्रेस्टीज पॉपुलर की बात करते हैं तो यहां पर कंपनी आपको 5 ईयर वारंटी के साथ देती है। और एक और चीज मैं आपको बता दूं, इसमें इन दोनों में ही आपको नीचे की तरफ से अल्फा बेस मिल जाएगा, जिसमें आप इवन हीट डिस्ट्रीब्यूशन होता है, और साथ ही साथ यहां पे जो ये वाले कुकर्स होते हैं इसमें आपको नीचे की तरफ से खाना जलने का परेशानी नहीं होगी। दोनों ही कुकर आपको गैस इंडक्शन हीटर सेरेमिक हॉट प्लेट पे कंपैटिबल मिलेंगे। बट यहां पे एक चीज मैं आपको बता दूं कि यहां पे अगर आप इसको अब्रॉड भी ले जाना चाहते हैं तो दोनों ही कुकर उसी के लिए कंपैटिबल हैं। कोशिश करिएगा कि इसमें एक एक्स्ट्रा गैस्केट और 2-3 सेफ्टी वॉल्व जरूर रख लीजिएगा, क्योंकि बाहर वो चीज अवेलेबल नहीं होती है। अगर हम बात कर लेते हैं स्टेनलेस स्टील की, तो कंपनी ये वाले कुकर में तो मेंशन करके देती है हाई क्वालिटी 304 स्टेनलेस स्टील। काफी हद तक मैंने ये देखा है कि ये वाले कुकर्स बहुत ज्यादा प्रमोट भी करती है, क्योंकि इसमें 10 इयर्स की वारंटी, और ऑब्वियस ही बात है कि अगर मैं आपको स्टेनलेस स्टील में डिफरेंस दिखाऊं, हालांकि दोनों ही हाइजीनिक कुकर हैं, मतलब हाइजीन के हिसाब से कोई डिफरेंस नहीं है, बट एक कह सकते हैं कि मटेरियल के हिसाब से थोड़े डिफरेंसेस आपको यहीं पे दिख जाएंगे। अगर हम डीलक्स अल्फा की बात करते हैं, जो ये वाला कुकर है इसमें अंदर की तरफ से आपको मिल जाती है ग्लॉसी फिनिश, वहीं अगर दूसरी तरफ हम याले कुकर की पॉपुलर की बात करते हैं तो यहां पे मिल जाती है अंदर की तरफ से मैट फिनिशिंग। हालांकि इसमें बहुत ज्यादा कुछ ऐसा डिफरेंस नहीं है, बट ये है कि ये जरा सी फिनिशिंग का ही अंतर है। मगर यहीं पे आप सीधा सीधा देख पा रहे होंगे दोनों ही कुकर 2 लीटर कैपेसिटी के हैं। ये वाला जो कुकर है ये आपको थोड़ा सा वाइड रेंज का मिलता है, इसमें खाना चलाना बड़ा आसान रहता है, और वहीं पर अगर ये वाला कुकर है तो अगर कम खाना बनाना है तो उसके लिए ये वाला कुकर आपके लिए बेहतर हो सकता है। हालांकि अगर हैंडल की बात करते हैं तो हैंडल्स भी दोनों में ही आर्गोनॉमिक हैंडल है, ऐसा कोई खास डिफरेंस
फ्रेग्रेंसेस नहीं मिलते हैं इसमें। और एक और चीज मैं आपको बता दूं, दोनों में ही प्रेस्टीज की ओरिजिनल गैस्केट्स लग जाती हैं। ऑल ओवर इंडिया ये गैस्केट्स अवेलेबल होती हैं, हालांकि जैसे इसके कॉम्पिटेटिव ब्रांड्स होते हैं उनके स्पेयर्स जल्दी नहीं मिल पाते हैं। अब यहाँ पे अगर मैं लिड की डिफरेंस की बात कर देता हूँ, तो यहाँ पे देखिए लिड में इसमें यहाँ पे मिल जाता है प्रेशर इंडिकेटर मिल जाता है, ISI मार्किंग भी बनी हुई है और यहाँ पे ट्रेडिशनल सेफ्टी वॉल मिल जाता है। ये वाली जो लिड है प्रेस्टीज के डीलक्स अल्फा की लिड है, जो कि प्रेस्टीज का कहा जाता है कि सबसे अच्छे कुकर्स होते हैं इस स्टेनलेस स्टील में। तो ये स्वच्छ की लिड है और एक आपको प्रेशर रेगुलेटर यहाँ पे ये प्रेशर रेगुलेटर की वो मिल जाती है आपको नोजल, और यहाँ पे ये मिल जाता है जो कि आपको इंडिकेट कर देता है कि इसके अंदर प्रेशर है, और जब प्रेशर नहीं होगा तो ये चीज़ नीचे आ जाती है। और यहाँ पे मिल जाता है ट्रेडिशनल सेफ्टी वॉल। तो ये थी डीलक्स अल्फा की लिड, और यहाँ पे मिल जाती है पॉपुलर की लिड जो कि बिल्कुल प्लेन लिड है, और यहाँ पे आपको मिल जाता है ट्रेडिशनल सेफ्टी वॉल जो कि आपकी सेफ्टी का पूरा ख्याल रखेगा, और यहाँ पे मिल जाता है एक पतला सा हैंडल जो कि बहुत इजी तरीके से ओपन और क्लोज करने में आपको हेल्प करेगा। तो यहाँ पे अब हम बात कर लेते हैं साइजेस की। हालांकि इससे पहले मैं साइजेस बता चुका था, अगर आप प्रेस्टीज का पॉपुलर कुकर स्टेनलेस स्टील में लेना चाहते हैं तो ये 2 लीटर, 3 लीटर एंड 5 लीटर में अवेलेबल है। प्राइसिंग इसके बहुत ही लाजवाब है, कम रेट में बेहतर कुकर लेना चाहते हैं तो आप प्रेस्टीज का पॉपुलर कुकर ले सकते हैं। लगभग 200-300 के से ज्यादा का डिफरेंस आपको रेट में मिलेगा। और हम बात कर लेते हैं प्रेस्टीज डीलक्स अल्फा की, तो यहाँ पे जो अगर ये वाले कुकर की बात करते हैं तो ये जो हांडी मॉडल होता है ये आता है 1.5 से लेके 4 लीटर कैपेसिटी के बीच में, जिसमें 3 से 4 साइजेस हैं। 1.5 लीटर, 2 लीटर आपके सामने है, इसके बाद मिलता है 3 लीटर एंड देन 4 लीटर। तो अगर आप हांडी मॉडल लेना चाहते हैं तो वो भी बहुत बेहतर है, और काफी ज्यादा आप लोग तो जानते हैं कि ये इस टाइप का मॉडल प्रेस्टीज का मैं कह सकता हूँ कि सबसे ज्यादा फेमस मॉडल है। और अगर आपका यूटिलिटी है वाइड मॉडल की, थोड़ा सा चौड़ा कुकर लेना चाहते हैं, तो यहाँ पे ये प्रेस्टीज का डीलक्स अल्फा वाइड कुकर है जिसमें 2 लीटर, 3 लीटर, 4 लीटर एंड 5 लीटर अवेलेबल होता है। ये दोनों ही ये सारे जितने कुकर होते हैं इस मॉडल में, ये वाले मॉडल में, तो ये आपको मिल जाते हैं थोड़े से वाइड शेप में जो कि काफी ज्यादा पसंद किए जाते हैं। और अगर मैं बात कर लेता हूं इन सारे ही कुकर्स की, तो सारे ही कुकर 100% हाइजीनिक है, भरोसेमंद है, और साथ ही साथ काफी पुरानी कंपनी के हैं जो हम कह सकते हैं कि प्रेस्टीज की। तो प्रेस्टीज के अगर स्टेनलेस स्टील कुकर अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो ये ऑप्शंस आपके लिए बहुत ही बेहतर हैं। जो अपडेटेड प्राइसेस हैं, जो अच्छे अच्छे डिस्काउंट्स चल रहे हैं, उसका लिंक आपको डायरेक्टली वीडियो के नीचे मिल जाएगा, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, वहां पे जाके आप डायरेक्टली लिंक पे जाके आप डायरेक्टली इसको परचेज कर सकते हैं, नहीं तो और भी कुकर्स वहीं पे ही चेकआउट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि अगर स्टेनलेस स्टील के और भी कोई कुकर आप लेना चाहते हैं तो जरूर नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, तो उसका भी रिव्यू हम आपके लिए कर देंगे। स्टील कढ़ाई के बारे में अगर जानकारी चाहते हैं, कौन सी बेहतर कढ़ाई है, उसके बारे में भी आप कमेंट कर सकते हैं, और इसी टाइप की वीडियोस हम रेगुलर बेसिस पे लाते रहते हैं, तो जरूर हमें सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और साथ ही साथ बहुत सारी वीडियोस हमने आपके लिए बना रखी हैं, तो अगर किसी भी चीज की आपको रिक्वायरमेंट होती है, कोई भी कुकर का यूटेंसिल अगर आपको खरीदना होता है तो आप हमारी वीडियो को रेफर कर सकते हैं। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, थैंक यू सो मच, कीप सपोर्टिंग अस।